हाँ, आप देख रहे हैं जयपुर से 25 किलोमीटर दूर जम्मे रामगढ़, यहाँ का जो आप ये किला देख रहे हैं, मैं कैमरामैन से अनुरोध करूँगा कि वो इस किले को दिखाएं। जो यहाँ की भव्य इमारत है, जो आप इस इमारत को देख रहे हो इधर, मैं कैमरामैन से अनुरोध करूँगा कि ये सारी इमारत उनको दिखाई जाए। ये बाहर का एरिया है, जो करीब करीब ये किले को बने हुए 450 से ऊपर हो चुकी हैं, 450 वर्ष से ऊपर हो चुकी हैं। और इस किले में कुछ खास बातें इतनी बेहतरीन हैं जो यहाँ पर आने के बाद ही आप लोगों को पता चलेगा कि इस किले के अंदर कितनी सुंदर सुंदर इमारतें हैं। और इसके अंदर जाने के बाद आप देखेंगे भगवान की इतनी प्यारी प्यारी मूर्ति हैं, मन को लुभाने वाली मूर्ति हैं। और आप लोगों की फैसिलिटी के लिए इतनी अच्छी सुविधा की हुई है यहाँ पर महाराज जी ने, जैसे कि मैं कैमरामैन से कहूँगा, जैसे कि गाड़ी को लाने के लिए पार्किंग की व्यवस्था इधर की गई है। इधर दिखाएं, मैं कैमरामैन से कहूँगा, देखिए गाड़ी को अपन ऊपर बिल्कुल ऊपर नज़दीक ला सकते हैं प्रथम गेट की ओर। कैमरामैन से अनुरोध करूँगा कि ये गेट को भी दिखाएं। इधर एक गेट बना हुआ है, इधर एक गेट बना हुआ है जो फर्स्ट स्टार्टिंग का गेट है। इस पे जो बैनर लगा हुआ है, इस पे जो बैनर लगा हुआ है, दीदियों का बैनर लगा हुआ है। यहाँ पर धार्मिक कार्यक्रम परमानेंटली चला करते हैं। और इस समय भी आप लोगों को मंत्रों के उच्चारण की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। सुबह की जो पूजा है वो यहाँ पर चल रही है। और मैं बताना चाहूँगा, प्रथम गेट से आने के बाद ये इसका एरिया है, इसके पीछे गौशाला है। अभी हम आपको गौशाला के भी कुछ झलकियाँ दिखाएंगे। इसके बाद यहाँ से ये रास्ता जाता है, तो ये प्रथम गेट है। प्रथम गेट ये मिला आपको, सेकंड वाला गेट ये है। जैसे ही इसके अंदर जाएंगे तो आप मंदिर के अंदर पहुँच जाएंगे। हम करीब करीब इस समय छठवें माले पे हैं, 6 मंजिल इसके अंदर बना हुआ है। और इसके अंदर कुछ रहस्यमयी गुफाएं बनी हुई हैं। जैसे कि अंदर से इधर निकल के जाएंगे तो इस समय हम खड़े हुए हैं जहां इस एरिया को कहते हैं अपन स्थल। और इसी के नज़दीक एक थोलाई गांव भी है, वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ है। ये आप जो देख रहे हैं इधर पहाड़ी की ओर, वो थोलाई है। अब इससे कुछ पीछे हटके आएंगे, इधर आएंगे इधर, तो आप देखेंगे हाईवे बना हुआ है। इसको अपन आंधी रोड बोलते हैं जी, इसको अपन आंधी रोड बोलते हैं। और यहाँ पर जो झंडे लगे हुए हैं वो यहाँ पर कार्यक्रम होता है तब लगाए जाते हैं। और 3 तारीख का जो कार्यक्रम रहेगा वो यहाँ पर इतना भव्य कार्यक्रम होता है कि कितना बड़ा किला होने के बावजूद भी इसमें लोग समाते नहीं हैं। बहुत सारी संख्या में लोग बाग यहाँ पर आते हैं और उस अनुभूति को प्राप्त करते हैं जो हमें परमात्मा ने दी है। और इसके साथ मैं समापन करना चाहूँगा। किले में बहुत कुछ है बताने के लिए, ये पहला ओके।